आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गुल्लू के घर दो भैंस थी। भैंसों का दूध निकाल कर ही वो उसे पूरे गांव में बेचता था और अपना घर चलाता था। एक दिन गुल्लू साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए और वो साइकिल समेत नीचे गिर जाता है। कमरिया टूट गई हमारी, ऊपर से सारा दूध भी गिर गया हमारा, अब का करें। गुल्लू अपनी साइकिल और दूध का डॉल उठाता है और पैदल ही घर जाता है। घर पहुंचते ही सूरज अपने बापू से पूछता है, बापू ये तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? ये तो सारी की सारी टूट गई। ये हमार साइकिल वा हमका धोखा दे गई, ये रास्ता में गिर गई और उसके बाद सारा दूध भी गिर गवा। तभी रसीली भी वहाँ आ जाती है और वो भी उस पर हंसने लगती है। हसो हसो और हसो, देखना एक दिन हम इस साइकिल को ऐसा सुधार देंगे कि ये जब चलेगी तो चलेगी नहीं, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगी। हाँ सर 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 बापू, अगर तुम इस खटारा साइकिल को हेलीकॉप्टर में बदल दो, मतलब कि साइकिल की साइकिल और उड़ने वाला हेलीकॉप्टर भी, जैसे तुम मुझे कागज से हेलीकॉप्टर बना कर देते हो बिल्कुल वैसे ही। ये तो बहुत ही पते की बात कही तुमने सूरज बेटा। सूरज के बापू एक बार कोशिश करके देखिए, सूरज के मामा को बोलकर मैं हेलीकॉप्टर बनाने का सामान मंगा लेती हूँ। एक बार ये साइकिल हेलीकॉप्टर बन जाएगी तो हमारे साथ साथ पूरे गांव के लिए भी भला हो जाएगा। आप सबकी मदद करना जी फिर इससे। फिर क्या था, सामान आते ही गुल्लू लग गया काम पर। उसने दिन रात उस पर मेहनत करके उस साइकिल को हेलीकॉप्टर बना डाला। अब वो साइकिल चलने के साथ साथ उड़ भी सकती थी। जिज्जा जी ये तो आपने कमाल ही कर दिया है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब बस मुझे दूर से उड़ते हुए देखना, ठीक है? इतना बोलते ही गुल्लू हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। सभी गांव वाले उसे आंखें गड़ाकर देख रहे होते हैं। एक रात सभी आराम से सोए हुए थे, तभी मनवीर की आंख खुल जाती है। वो गुल्लू के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने आपकी कितनी मदद की उस हेलीकॉप्टर को बनाने में, पर आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने बस बैठने को ही तो बोला था, मेहनत मैंने की, सामान मैं लाया, तभी आपका हेलीकॉप्टर बन पाया। पर जिज्जा जी ये हेलीकॉप्टर आपका नहीं मेरा है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। मनवीर चुपके से कमरे में घुस जाता है। गुल्लू खाट पर सोया था, सूरज और रसीली नीचे चटाई पर। मनवीर गुल्लू का गला दबाकर मार देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है और कुएं में उसे फेंक देता है। अब ये हेलीकॉप्टर मेरा हुआ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। जिस गुल्लू को मनवीर ने कुएं में फेंका था वो गुल्लू मरते ही भूत बन चुका था। उसे मनवीर की हरकतों का पता चला। वो पीछे से चुपचाप आता है और मनवीर को कुएं में धक्का दे देता है। मनवीर उसमें डूबकर मर जाता है। भूत सीधा अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, रसीली रसीली उठो, तुम आराम से सो रही हो और यहाँ हमारी दुनिया ही उजड़ गई पूरी। भूत भूत माँ भूत बचाओ बचाओ मुझे माँ मुझे बचाओ। सूरज के बापू बचाओ हमें, हमारे घर में भूत घुस आया है। अरे शांत रहो तुम दोनों, गुल्लू अब कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं ही गुल्लू हूँ और मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद भूत बन गया। ये क्या बोल रहे हो, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो वहाँ सोए हुए हैं। अरे कहाँ गए आप? भूत सूरज और रसीली को सब बताता है कि उसके भाई ने उसे कुएं में फेंक कर मार डाला और अब वो भी मर चुका है। बापू ये आप तो क्या हो गया, माँ क्या बापू अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या?
सूरज के बापू, मैं आपसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे भाई ने ही मुझे विधवा बना दिया। तुम भूत नहीं, मेरे बापू, और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बचुआ, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद भूत वहीं अपने बच्चे और पत्नी के साथ ही रहने लगा। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था वो। एक दिन रामवती की बहू सरला की तबीयत बहुत बिगड़ गई, क्योंकि वो गर्भवती थी और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। क्या हुआ बहन, रामवती कुछ घबराई सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, रामवती की बहू पेट से है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। अभी गाँव की दाई आई थी, वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो गांव के बाहर जो हॉस्पिटल है उसे वहां ले जाना पड़ेगा। हाय दैया, इतनी दूर, अब क्या होगा उसका और उसके बच्चे का? इतनी जल्दी वहां तक जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब कर भी क्या सकती है वो बेचारी, अब उड़कर तो उसे वहां तक ले नहीं जा सकते। इस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई तुमसे बातें करते करते। नीलम के जाते ही भूत रसीली को अंदर आने का इशारा करता है। रसीली भूत के पास जाती है। सुनो, हमने सब सुन लिया है, हमारे पास एक आइडिया है रामवती को हॉस्पिटल जल्दी ले जाने का। भूत रसीली को हेलीकॉप्टर में सरला को ले जाने को बोलता है। रसीली को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आप हेलीकॉप्टर तैयार रखो, मैं जाकर सरला को लाती हूँ। रसीली भागती हुई सरला के घर जाती है और उसे सहारा देते हुए हेलीकॉप्टर तक ले आती है। सरला दर्द से कराह रही थी, रसीली उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलती है। हे राम, ये तो भूत है। ओ रसीली, मेरी बहू को तू क्यों उस भूत के हवाले कर रही है? वो बेचारी तो पहले से परेशान है, उसे वहाँ मत लेकर जा। पर ये भूत आया कहाँ से, गुल्लू के हेलीकॉप्टर में ये क्या कर रहा है? आप सभी चुप रहिए बस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं सब बताऊंगी बाद में, आप हेलीकॉप्टर चलाइए जी। तभी पीछे से रामवती भी बोल पड़ती है। मैं भी चलूंगी, मैं अपनी बहू को ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। हेलीकॉप्टर में रामवती और उसकी बहू सरला, साथ में रसीली भी होती है। भूत हेलीकॉप्टर उड़ाकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है। सभी लोग बड़े ही आश्चर्य से भूत को देख रहे थे कि वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। गाँव में वापस आकर रसीली गाँव के सभी लोगों को अपने पति के बारे में सब बता देती है कि भूत ही उसका पति है, उसके भाई ने ही उसे धोखे से मारा। तभी कहूँ, गुल्लू भाई इतने दिनों से दूध देने क्यों नहीं आया घर? कुछ भी कहो भाइयों, गुल्लू भाई पहले भी अच्छा था और अभी भी, जबकि वो भूत बन गया है। तुमने अभी जो किया वो वाकई शाबाशी के काबिल है। पूरा गांव मिलकर भूत की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से मनवीर का भूत भी आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर मेरा है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। ये हेलीकॉप्टर मैंने बनाया है और अब ये हेलीकॉप्टर गांव की भलाई के लिए ही है, समझा? पहचाना नहीं जीजा जी, आपने मुझे धोखे से कुएं में धक्का दे दिया था, मैं तड़प तड़प कर मर गया और अब मैं इस हेलीकॉप्टर को तोड़कर ही दम लूंगा। तुम तो दुनिया के सबसे घटिया भाई हो, मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, इसके लिए चाहे तुम मुझे भी मार दो। तभी मनवीर का भूत सूरज का गला पकड़ लेता है। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं इसे मार दूंगा। रसीली बहन, बेटे की जान बचा ले, उसे ले जाने दे हेलीकॉप्टर। कभी नहीं, मैं गांव वालों से विनती करता हूँ, गांव के पुराने कुएं में मेरी और मनवीर की लाश पड़ी है, आप बस उस कुएं में आग लगा दो, ये मनवीर का भूत तभी जाएगा यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी सूरज मनवीर के भूत को धक्का देते हुए घर में घुस जाता है और वहाँ से माचिस और घासलेट लाकर भागता हुआ कुएं के पास जाता है और कुएं में घासलेट फेंक कर उसमें आग लगा देता है। आखिर बेटे के हाथों बाप को मुक्ति मिल ही गई। उसके बाद दोनों भूत कभी गांव में नहीं दिखाई दिए। सूरज ने निशानी के तौर पर अपने बापू का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर संभाल कर रखा ताकि वो जब बड़ा हो तो गांव के लिए उससे भलाई करे।